तो हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो टिकी किसी ब्रॉस यूट्यूब चैनल का मासेल अभी नव चौधरी। तो फ्रेंड जैसे कि देख पा रहे हो हमारे पास है पोको एक्स प्रो, और आज की वीडियो में आपको इसका गेमिंग रिव्यू देने वाला हूँ, जिसमें कि मैं आपको ऑल ओवर गेमिंग रिव्यू दूंगा इस फोन का, जिसमें कि मैं आपको कुछ गेम्स टेस्ट करके दिखाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा टेस्ट करने के बाद कि हमें कैसा लगा इस फोन में गेम्स का परफॉर्मेंस और गेमिंग एक्सपीरियंस हमें कैसा लगा इस फोन में गेम प्ले करने के बाद। तो गाइस, अगर अभी ये फोन लेने का सोच रहे हो तो सबसे पहले इस वीडियो को चेकआउट कर लेना शुरू से लेकर लास्ट तक, ताकि आपका भी क्लियर हो जाएगा डाउट कि आपको ये फोन लेने लायक है या नहीं, और आपका डाउट्स क्लियर हो जाएगा आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, और मैं आपको देता हूँ गेमिंग सैंपल, गेमिंग रिव्यू इस पोको एक्स प्रो का। सबसे पहले मैं चेक करने चलता हूँ एसफॉल्ट 9 को। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख पा रहे हो हम गाइज गेम प्ले करने वाले हैं एसफॉल्ट 9 लीजेंड का। तो गाइज जैसे कि आप सभी को पता है गाइज ये एक तरह का कार रेसिंग गेम है। ग्राफिक की बात हो तो गाइज आपको इसमें इतना तो हीवी ग्राफिक देखने को नहीं मिलेगा जितना आपको BGMI या कॉल ऑफ ड्यूटी में देखने को मिलेगा। आपको इसमें नॉर्मल से ग्राफिक सेटिंग देखने को मिलती है, पर ग्राफिक क्वालिटी की बात को तो गाइज आपको ऑसम सा ग्राफिक क्वालिटी देखने को मिलेगा। और गाइज गेम प्ले मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि गाइज वीडियो की लेंथ लंबी ना हो और आप लोग बोर ना हो, इसलिए गाइज मैं फास्ट फॉरवर्ड में वीडियो को फास्ट कर रहा हूँ और गेम प्ले भी फास्ट कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हो गेमिंग सैंपल की बात करो, गेमिंग आपको इस तरह का देखने को मिलेगा आपके एसफॉल्ट 9 में। अगर आप एसफॉल्ट 9 के अंदर गेमिंग करते हो तो आपको अच्छी खासी गेमिंग परफॉर्मेंस मिलेगी और आपको अच्छा खासा गेमिंग एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा एसफॉल्ट 9 लीजेंड के अंदर देखने को। बात करूँ हीटिंग की तो गाइस अगर मैंने ये थोड़ा सा भी गेमिंग, क्योंकि जैसे आपको पता है कि एसफॉल्ट 9 जो लीजेंड गेम है इसकी गेम की ड्यूरेशन उतनी लंबी चौड़ी नहीं कि जैसे आपको BGMI में मिलता है कि आपका गेम चल जाता है लगभग आपका आधा घंटा गेम प्ले चलता है। एसफॉल्ट 9 लीजेंड जो है जो कि गाइस शॉर्ट टर्म का गेमिंग एक्सपीरियंस आपको देता है, और गाइस रेसिंग गेम है तो इसमें आपको शॉर्ट टर्म टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो इसी तरह से अगर आप देखें तो एसफॉल्ट 9 लीजेंड अगर आप खेलते हो तो गाइस वो इसमें एक तरह से इस फ़ोन के लिए बहुत ही लो क्वालिटी का गेम हो जाएगा। मैं आपको कह लूँ तो लो स्पेक का गेम है, इसमें आपको उतनी अच्छी खासी ग्राफिक्स की नीड नहीं होती है जैसे कि आपको एसफॉल्ट 9 सब में देखने को मिलती है। तो आप इस फ़ोन में आप एसफॉल्ट 9 लीजेंड सबको तो बहुत ही स्मूथली प्ले कर सकते हो और आपको अच्छी खासी गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। और बात करूँ हीटिंग की तो गाइस आपको बिल्कुल भी हीट देखने को नहीं मिलेगा अगर आप एसफॉल्ट 9 लीजेंड टाइप जैसी गेम खेलते हो आपके अपने इस पोको X5 प्रो के अंदर। अब अगर चलिए मैं आपको देता हूँ नेक्स्ट गेमिंग सैंपल जो कि है BGMI का। तो फिर चलिए अब चलते हैं जल्दी से जल्दी BGMI का गेम प्ले मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि देख पा रहे हो गेम प्ले हमारा स्टार्ट हो चुका है गाइस। मैं बहुत दिनों बाद मैंने कह लूँ तो बहुत सालों बाद मैंने गेम को इंस्टॉल किया है, तो गाइस आपको नॉर्मल से गेम प्ले मिलेगा, आपको उतना प्रो लेवल की गेम प्ले नहीं मिलेगी क्योंकि गाइस प्रैक्टिस बहुत ही छूट चुका है गेम प्ले करने का जैसे मैं पहले खेला करता था। तो गाइस अभी आप देख पा रहे हो अभी हम नॉर्मल सी गेम प्ले कर रहे हैं, तो गाइस मुझे तो स्मूथ सा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है BGMI का हमारे अपने इस डिवाइस में पोको X5 प्रो में। और हीटिंग की बात करें तो गाइस हीटिंग हमें नॉर्मल मिल रहा है। और फ्रेंड्स अभी तक मैंने हाई लेवल पे BGMI गेम प्ले किया पर गाइस मुझे वैसा तो ज़्यादा हीटिंग देखने को नहीं मिल रहा, और आपको देख पा रहे हो गेम प्ले भी बहुत स्मूथ देखने को मिल रहा है हमारे इस पोको X5 प्रो में। और हीटिंग की बात करूँ तो गाइस हीटिंग नॉर्मल सा हीटिंग आपको देखने को मिल रहा है, उतना टू मच ऑफ हीटिंग आपको देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे कि आपको पता है मैं अभी HDR मोड में खेल रहा हूँ अल्ट्रा मोड के अंदर, तो मुझे वैसी अच्छी खासी ज़्यादा हीटिंग तो नहीं देखने को मिल रही हमारे इस पोको X5 प्रो में। गेमिंग मुझे परफॉर्मेंस अच्छा मिल रहा है, और ये न्यू आईडी है तो आपको पता है कि न्यू आईडी में आपको क्या मिलता है। हीटिंग की बात करें तो गाइस हीटिंग आपको हल्का खासा हो तो आपको डिस्प्ले की तरफ भी हीट देखने को मिलता है, और गाइस बैक में भी आपको हीट मिलेगा देखने को। तो गाइस ऐसा तो नहीं है कि ये फ़ोन बिल्कुल भी हीट नहीं करेगा, पर हीट करेगा, और वही है कि आपको नॉर्मल से हीटिंग मिलेगी देखने को क्योंकि गाइस मैं अभी अल्ट्रा मोड में खेल रहा हूँ, अल्ट्रा मोड में मैं गेम प्ले कर रहा हूँ तो इसलिए मुझे हल्की फुल्की तो हीटिंग देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स अभी तक मैंने गेम प्ले किया है तो मैं आपको दिखा दूँ एक बार बैटरी परसेंटेज। तो गाइस बैटरी परसेंटेज अभी है 48-47%, और गाइस टाइम हो रहा है 1:21 PM। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि मैंने कब गेम प्ले किया था और गाइस मैंने कितना देर गेम प्ले किया तो मुझे कैसी बैटरी देखने को मिल रही है। तो मैं आपको लास्ट में ये भी चीज़ चेकआउट करवा दूंगा। स्टेबिलिटी भी हमें सही मिल रहा है देखने को गेम का। तो फ्रेंड्स अब मैंने BGMI को गेम का गेम प्ले किया अपने इस पोको X5 प्रो में, और गाइस जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि गेम प्ले के दौरान तो हमें स्मूथ सा परफॉर्मेंस मिला, मैंने HDR अल्ट्रा के ऑप्शन के अंदर गेमिंग टेस्ट किया BGMI का इस पोको X5 प्रो में अपने देखा,
और गाइज मैंने आपको ये भी दिखाया कि गेमिंग एक्सपीरियंस कैसा मिलता है, ग्राफिक्स क्वालिटी आपको कैसी मिलती है। और गाइज बात करो अब हीटिंग की, तो गाइज अगर आप BGMI जैसी गेम खेलते हो वो भी HDR अल्ट्रा मोड के अंदर, तो गाइज आपको हीटिंग तो देखने को मिलेगी आपके अपने Poco X5 Pro में। पर वही अगर आप लो मोड में खेलोगे, मतलब लो ग्राफिक्स के सेटिंग को चूज़ करके गेम खेलोगे, तो गाइज आपको उतनी ज़्यादा हीटिंग इशू देखने को नहीं मिलेगी आपके अपने Poco X5 Pro में। पर अगर आप उसे हायर सेटिंग्स पे सेट करके प्ले करोगे आपको डेफिनेटली हीटिंग इशू देखने को मिलेगा आपके अपने Poco X5 Pro में। तो गाइस अब बात करते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी का। तो गाइस चलिए COD को मैं चेक करता हूँ इस BGMI अपने इस Poco X5 Pro में कि हमें कैसा COD का गेमिंग एक्सपीरियंस मिलता है और गाइस कैसा लोडिंग टाइम मिलता है। तो गाइस लोडिंग तो देख पा रहे हो, गाइस तुरंत ही लोड हो जाता है ये गेम, यहाँ पे आप देख पा रहे हो अभी शायद मेरा फर्स्ट बूटअप है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो तुरंत लोड लेगा और ये हमें शायद न्यू अकाउंट क्रिएट करने को भी कहेगा। और फिर चलिए चलते हैं और मैं आपको देता हूँ गेमिंग रिव्यू कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल का हमारे अपने इस Poco X5 Pro के अंदर। एक बार गाइस गेम लोड ले रहा है, ये फर्स्ट टाइम का बूट अप है। चलेगा जल्दी से हम इसे गेस्ट एज ए गेस्ट लॉगिन कर लेते हैं, नेम को चूज़ कर देते हैं और एज ए गेस्ट लॉगिन करते हैं, क्योंकि गाइस हमें बस गेमिंग रिव्यू देना है, हमें गेम प्ले नहीं करना है उतना। तो गाइस अभी तो ये मुझे ट्रेनिंग दे रहा है, तो गाइस ट्रेनिंग में तो आप देख पा रहे हो कि आपको परफॉर्मेंस तो स्मूथ सा देखने को मिलता है। मैं आपको एक मैच भी प्ले करके दिखाऊंगा एक मैच, ताकि आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसी परफॉर्मेंस मिलेगी आपके अपने Poco X5 Pro में अगर आप गेमिंग करते हो तो। तो गाइस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो गाइस चलिए चलते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं एक क्विक मैच और मैं आपको इसका गेमिंग रिव्यू देता हूँ। तो गाइस देख पा रहे हो आपको स्मूथ सी परफॉर्मेंस तो मिल रही है, प्लेयर के मूवमेंट में भी आपको उतना ज़्यादा लैग देखने को नहीं मिल रहा है। ग्राफिक्स जो गाइस डिफ़ॉल्ट सेट रहता है उसी ग्राफिक में मैं इस गेम को प्ले कर रहा हूँ। मैं आपको ग्राफिक सेटिंग्स भी चेकआउट करवा दूंगा कि हमें क्या कौन सी ग्राफिक सेटिंग देखने को मिलती है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल के अंदर, जो कि हमारे इस Poco X5 Pro में सपोर्टेड है। जो गाइस ओवरऑल आपको मूवमेंट और गेमिंग गेम प्ले तो अच्छा देखने को मिल रहा है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल का Poco X5 Pro में। तो गाइस ग्राफिक की बात करो तो कॉल ऑफ ड्यूटी में ग्राफिक्स वो कैसी मिलेगी देखने को, यहाँ पे आप देख पा रहे हो आपको चार तरह की ग्राफिक्स मोड देखने को मिल जाती है, एक रियलिस्टिक, एक डायनेमिक, एक स्टैंडर्ड, एक आपको फोर्थ, चार तरह की ग्राफिक मोड मिल रही है। अभी मैंने आपको जो गेम प्ले दिया कॉल ऑफ ड्यूटी में वो था डायनेमिक मोड के अंदर, जिसमें कि हम कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं कलर को यहाँ पे, और गाइस फ्रेम रेट को हाई, वेरी हाई, मैक्स तक सेव कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे मैक्स फ्रेम रेट, मैक्स और गाइस आपको फुल्ली हाई मोड में आपको ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है, ग्राफिक सेटिंग मिलता है कॉल ऑफ ड्यूटी के अंदर देखने को यहाँ पे, जो कि आप इसे चूज़ कर सकते हो और गेम प्ले कर सकते हो बहुत ही हाई क्वालिटी में। तो गाइस ये अब गाइस बात करूँ हीटिंग की, तो गाइस हीटिंग तो हमें अच्छा खासा देखने को नहीं, मैं आपको कह लूँ तो आपको नॉर्मल सा हीटिंग देखने को मिलेगा अगर आप कॉल ऑफ ड्यूटी के अंदर गेम प्ले करते हो अपने इस Poco X5 Pro के डिवाइस के अंदर, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो आपको नॉर्मल सा हीटिंग देखने को मिलेगा Poco X5 Pro में। और आपको जैसे कि मैंने दिखाया तो गाइस आपको अल्ट्रा हाई तक का ग्राफिक सेटिंग देखने को मिलता है आपके अपने इस Poco X5 Pro में अगर आप क्वालिटी में गेम प्ले करते हो। तो जैसे कि मैंने आपको आज के इस वीडियो में कंप्लीट गेम प्ले टेस्ट दिया Poco X5 Pro का, तो फिर अगर आपको वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करिए। टिल देन कीप शेयरिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। बात करूँ गाइस तो इस फ़ोन का गेम प्ले का, तो गाइस गेम प्ले तो मुझे ऑलराउंडर अच्छा लगा इस फ़ोन में। जैसे कि आपको मैंने BGMI में भी गेम प्ले टेस्ट दिखाया, तो आपको उसमें HDR अल्ट्रा तक का सपोर्ट मिलता था देखने को और आपको गेमिंग क्वालिटी भी अच्छी मिल जाती है। पर अगर आप हाई ग्राफिक सेटिंग्स पे गेम प्ले करोगे इस Poco X5 Pro में, तो डेफिनेटली आपको हीटिंग इशू देखने को मिलेगा इस आपके Poco X5 Pro के डिवाइस के अंदर। अगर आप नॉर्मल ग्राफिक्स में गेम प्ले करोगे तो आपको हाई के मुकाबले आपको क्वालिटी तो सेम मिल जाएगी, पर आपको हीटिंग इशू कम देखने को मिलेगा। वही का बात करूँ इस Fault 9 की, तो गाइस वो तो गेम प्ले आपको इसमें परफेक्ट देखने को मिलता है। कॉल ऑफ ड्यूटी की बात करूँ तो इसमें भी आपको गेम प्ले परफेक्ट मिलेगा, आपको हायर लेवल का ग्राफिक सेटिंग्स तो मिल जाता है कॉल ऑफ ड्यूटी में भी देखने को, पर आपको हीटिंग इशू मैंने कहूँ तो आपको हीटिंग इशू देखने को मिलेगा। तो कंक्लूजन ये रहा कि आपको इस फोन में हीटिंग इशू देखने को मिलेगा अगर आप इसमें हाई लेवल पर गेमिंग करते हो, आप हायर ग्राफिक सेटिंग्स पर गेमिंग करोगे तो आपको इसमें हीटिंग इशू देखने को मिलेगा Poco X5 Pro के अंदर।